नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन टी20 मैच की सीरीज और फिर तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने वाला है, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजी जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है उसे ध्यान में रखते हुए वेस्टइंडीज की टीम कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। इसके लिए वेस्टइंडीज टीम मैनेजमेंट ने भारतीय बल्लेबाजी कोच को नियुक्त किया है। भारत से भिड़ने के लिए कैरिबियाई टीम ने मोंटी देसाई को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया। देसाई को 2 साल का अनुबंध दिया गया और वो शुक्रवार को हैदराबाद में होने वाले पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच से पहले ही टीम से जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि देसाई ने 12 साल के करियर के दौरान अफगानिस्तान, नेपाल, कनाडा, भारत की क्षेत्रीय टीमों और आईपीएल टीमों राजस्थान रॉयल्स और गुजरात लॉयंस के साथ कोच की भूमिका निभाई है। इससे पहले मोंटी यूएई की टीम के बल्लेबाजी कोच थे। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा, हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में शुक्रवार 6 दिसंबर को भारत के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच से पूर्व देसाई वेस्टइंडीज टीम के साथ जुड़ेंगे। भारत के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के बाद वेस्टइंडीज की टीम 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज भी खेलेगी। वेस्टइंडीज के मुख्य कोच फिल सिमंस ने कहा, मैंने इससे पहले भी मोंटी के साथ काम किया है और वो शानदार कोच हैं। उन्होंने साबित किया है कि उनमें क्षमता है कि खिलाड़ियों की प्रतिभा में सुधार कर सकें और मैचों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो वहीं मोंटी देसाई ने कहा, मैं कोच फिल सिमंस और क्रिकेट निदेशक जिमी एडम्स और अपने कप्तानों के साथ काम करने को बेताब हूँ, जिससे कि हमारी टीम की सफलता में हर संभव योगदान दे सकें। तो अब देखना होगा कि जब वेस्टइंडीज की टीम भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने खड़ी होगी तो किस तरह का प्रदर्शन करती है।